फाइंड द सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी, कोई एपी है अपने पास, उसकी टू मिडिल मोस्ट टर्म का सम निकालना है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो दी हुई है माइनस फोर अपॉन थ्री है, और जो सेकेंड टर्म है वो क्या है माइनस वन है, और जो सबसे लास्ट वाली टर्म है एंथ टर्म वो क्या है फोर राइट वन अपॉन थ्री। तो सबसे पहले डी की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म माइनस फोर अपॉन थ्री को, तो अपने पास माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन थ्री आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो ये अपने पास थ्री एलसीएम आ गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर, तो जो डी की वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी माइनस थ्री प्लस फोर, तो वन अपॉन थ्री। तो सबसे पहले काम डी का, डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फिर दूसरी बात, एंथ टर्म फोर राइट वन अपॉन थ्री है, तो एंथ टर्म निकालते कैसे हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, थ्री फोर जार ट्वेल्व और वन थर्टीन अपॉन थ्री। तो ए की वैल्यू तो हमें पता है माइनस फोर अपॉन थ्री है, तो माइनस फोर अपॉन थ्री लिख लिया, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली वन अपॉन थ्री इक्वल टू थर्टीन अपॉन थ्री। तो यहाँ से एन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि इस एपी में जो टर्म है वो कितनी टर्म है, तो ये इस कंप्लीट के साथ प्लस में है माइनस का फोर अपॉन थ्री, तो माइनस फोर अपॉन थ्री इधर आ जाएगा, तो अपने पास इधर रह गया माइनस ये एन माइनस वन, और अपॉन में कितना आ जाएगा थ्री, एन माइनस वन को मल्टीप्लाई कर लिया वन अपॉन थ्री से, और ये माइनस फोर अपॉन थ्री कंप्लीट उठाकर इधर ले जाएंगे तो थर्टीन अपॉन थ्री, और ये माइनस का था तो प्लस में आ जाएगा फोर अपॉन थ्री। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो एन अपॉन थ्री इक्वल टू, इसका एलसीएम सीधी सी बात है थ्री आएगा, काम सिंपल हो गया, थर्टीन प्लस फोर कितना आ जाएगा अपने पास सेवनटीन, ये थ्री इधर आ जाएगा तो थ्री से थ्री डिवाइड हो जाएगा, तो एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास सेवनटीन, तो ये माइनस वन उधर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो सेवनटीन और वन एटीन, यानी इस एपी के अंदर कितनी टर्म है एटीन टर्म्स हैं। तो आपको पता है कि इवन नंबर आया, इवन नंबर है तो जो मिडिल टर्म होंगी वो कितनी होंगी टू होंगी अपने पास, तो 18 जैसे 10 टर्म्स हैं अपने पास, मान लीजिए मैं समझा देता हूँ कि 10 टर्म्स हैं, तो अपने पास जो मिडिल टर्म कौन कौन सी आ जाएंगी, अपने पास 4 टर्म इधर होंगी, 4 ही इधर हो जाएंगी, बीच में दो टर्म बचेंगी, 4 इधर 4 इधर, और बीच में कितनी बचेंगी 2, तो टोटल में लगे 10 टर्म्स हो जाएंगी, तो बीच में 2 टर्म्स आएंगी। इवन नंबर में ओड होता तो ओड होता तो बीच में एक ही टर्म होती, तो टोटल अपने पास 18 टर्म्स हैं। तो मीडियन वाला फॉर्मूला याद होगा, 9th क्लास में जैसे सॉल्व करते थे मिडिल में कौन सी टर्म आएगी, 18 टर्म्स हैं, तो एक तो एन अपॉन टू टर्म ये वाली टर्म आ जाएगी, और एक कौन सी आएगी n अपॉन टू प्लस वन, ये वाली दोनों टर्म मिडिल के अंदर आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी है 18, 18 अपॉन टू क्या आ जाएगा नाइन्थ टर्म, और नाइन प्लस वन टेंथ टर्म, ये दोनों टर्म कौन सी होंगी मिडिल टर्म होंगी। तो इन दोनों का हमें सम फाइंड करना है, तो नाइन्थ टर्म तो सम निकालना है नाइन्थ टर्म प्लस टेंथ टर्म का, तो ए नाइन की जगह क्या लिखेंगे ए प्लस एट डी, फॉर्मूला पता ही है ए प्लस एन माइनस वन, तो नाइन माइनस वन एट डी आ जाएगा, प्लस टेंथ टर्म की जगह क्या लिखेंगे ए प्लस नाइन डी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे ए और ए कितना आ जाएगा अपने पास 2a, 8 और 9 कितना आ जाएगा 17d, तो 2 इंटू ए की वैल्यू तो हमें पता है माइनस का 4 अपॉन 3 है, तो हमने लिख लिया माइनस 4 अपॉन 3 प्लस 17 इंटू डी की वैल्यू भी पता है 1 अपॉन 3 है, इसको सॉल्व करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 अपॉन 3 आ जाएगा, और प्लस इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 अपॉन 3 आ जाएगा, तो एलसीएम लेने पर तो 3 आ ही जाएगा, और ये आ गया माइनस 8 और प्लस का 17, तो अपने पास कितना रह गया 17 में से माइनस कर देंगे 8, तो 9 बचेगा 9 अपॉन 3, तो जो सम था 9th टर्म और 10th टर्म का जो कि मिडिल मोस्ट टर्म थी दोनों, तो इसका सम कितना आ गया 9 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3, तो ये उन दोनों टर्म्स का आ गया सम। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।